सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग हमेशा से देखने में सामने आता रहा है, चाहे वो स्कूल से बच्चों को लाना हो या ले जाना हो, या बाजार से कोई सामान लाना हो, या फिर कहीं घूमने जा रहा हो। अधिकतर सरकारी गाड़ियां आपको ये कहीं भी जगह पे देखने में मिल जाएंगी। लेकिन अभी एक नया वीडियो सामने आया है, टिकटॉक पर बनाया गया वीडियो, चलती गाड़ी पर स्टंट का वीडियो हुआ है वायरल, वो भी दिल्ली पुलिस का। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस की एसयूवी पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। टिकटॉक पर बनाया गया वीडियो मारुति आर्टिगा पर वाहन पर मोटे अक्षरों में दिल्ली पुलिस लिखा है, साथ ही में दिल्ली पुलिस का बड़ा बड़ा लोगो लगा हुआ है, उस पर नीली लाल बत्ती भी लगी हुई है। तेजी से वायरल हो रहे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मामले की जांच शुरुआत करवा दी है। टिकटॉक पर बनाए गए इस 15 सेकंड का वीडियो में एक अर्धनंग युवक चलती कार में चालक की सीट से उतरकर कार पर चढ़कर वहां पर पुशअप करता दिख रहा है। युवक दोबारा चालक सीट पर आकर बैठ जाता है। जानकारी के अनुसार वीडियो को दुष्यंत शर्मा नामक युवक की प्रोफाइल से अपलोड किया गया है। वीडियो को खाली मैदान में बनाया गया है। हालांकि वीडियो कहां और किसने बनाया इसकी अभी छानबीन चल रही है। वीडियो बनाने वाले का कोई पुलिसकर्मी है या नहीं है ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस्तेमाल हुआ वाहन वाकई में दिल्ली पुलिस की है या नहीं है इसका भी नहीं पता चल पाया है। अहम बात यह है कि वीडियो में जिस आर्टिका कार में इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग अधिकतर दिल्ली पुलिस महकमे में एसीपी और उससे ऊपर के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। पुलिस ने इसकी छानबीन करनी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि ये वीडियो किसने बनाया है और कौन है ये व्यक्ति जो सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।